देखिए, आज हम टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं सेशन में। इस सेशन के अंदर हम आपको अगेन सेक्शन 23 की जो नई नोटिफिकेशंस आई थी उनको बताएंगे। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 23 तक हमने फिनिश कर दिया था कि सेक्शन 23 का मतलब था पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें पहला था कि वो लोग जो ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जिस पर टैक्स नहीं लगता, गवर्नमेंट ने उन्हें माफ़ी करी है। दूसरे, वो लोग जो क्या करते हैं, खेती करके कुछ बेचते हैं, उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कुछ लोगों को माफ़ी और दे सकते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कितनी नोटिफिकेशन निकाली, 6 नोटिफिकेशन निकाली, और कहा गया कि अगर आप तुम ये काम कर दो तो आपको जैसे नंबर लेना कंपलसरी नहीं। जिसमें चौथे नंबर एग्जांपल में क्या बोला है, सबसे पहले क्या था, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला। रिवर्स चार्ज क्या होता है, जब कभी उल्टा कोई चीज़ चार्ज की जाती है उसे बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। होता क्या है, जब तुम किसी को माल बेचते हो तो तुम उस पार्टी से क्या लेते हो, कॉस्ट प्लस टैक्स लेते हो। क्या लेते हो उस पार्टी से, कॉस्ट प्लस टैक्स लेते हो। लेकिन कभी ऐसा हो जाए तुम किसी को माल बेच रहे हो और वो अपना टैक्स भी ले रहा है, क्या ले रहा है, वो अपना टैक्स भी कर रहा है, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, हम माल बेचते हैं तो हम टैक्स के पैसे ले लेते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है उल्टा, कि हमने किसी को माल बेचा, हमें टैक्स नहीं देना, वो पार्टी खुद टैक्स लगाती है, गवर्नमेंट को जमा करा देती। आपको कल याद होगा मैंने किसका एग्जांपल दिया था, एडवोकेट का एग्जांपल दिया था। कई बार हम एडवोकेट से कई सर्विसें लेते हैं, जैसे अब मैंने कल बोला था कभी एडवोकेट को ना तो लोन मिलता है ईजी तरीके से, ना हाउस मिलता रेंट पर, ना क्रेडिट कार्ड मिलता, ना एनीथिंग फैसिलिटी मिलती, क्योंकि ये लोग लोगों को जानते हैं। जब भी इनसे कोई पैसा मांगने जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कैश का कोई इशू नहीं, हम रहते कहाँ पर हैं, कोर्ट में केस आएगा, चले जाएंगे उठ के, तो इसलिए इन लोगों को डर नहीं लगता। मान लो एक कंपनी जिसका नाम है एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, इसने ये सर्विस दी, कितने की थी सर्विस, 10 लाख की। 10 लाख का 18% टैक्स कितना होता है, 1 लाख का इसको मिले कितने, अब इसे गवर्नमेंट को 1000 रुपये जमा कराने थे ना, 1 लाख 80 हज़ार जमा कराए थे, लेकिन इसने गवर्नमेंट को जमा कराए नहीं। गवर्नमेंट ने कहा इस पर मैं तुम्हें केस कर दूंगा, तुम पीछे आ जाओ उठ के, दोनों वहाँ बैठ जाए, क्या क्या कर दूंगा तुम पर, नहीं नहीं करना। उसने कहा मैं तुम पर केस कर दूंगा, गवर्नमेंट ने कहा केस कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गवर्नमेंट को जब कहीं लगता है टैक्स मिलने में इशू है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो पार्टी माल खरीद रही है उससे ही कहती है गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा दे। अब बताओ, उस एडवोकेट से टैक्स लेना इजी है, जो टैक्स दे रहा है उससे लेना इजी है, मुझे बताओ उस केस में किससे इजी है। तुम जो माल बेच रहे हो और तुम इसको 1,80,000 दे रहे हो, गवर्नमेंट इसको इससे डरेगी कि मुझे पैसा देगा नहीं, लेकिन किस गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो टैक्स दे रहा है कहते हैं पार्टी तू ही टैक्स दे दे, पार्टी तू ही टैक्स दे दे, इसके ऊपर मत डाल। तो अगर तुम ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जो किसके अंदर आता है, आरसीएम के अंदर आता है, तुम किसी को माल बेचते हो वो खुद टैक्स जमा कराता है गवर्नमेंट को, तो उस केस में आप इसे मत लेना कंपलसरी नहीं। दूसरी लिमिट बताई थी मैंने यहाँ पर, अगर कोई आप क्या बेचते हो, ई कॉमर्स के थ्रू काम करते हो, क्या काम करते हो, ई कॉमर्स जानते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन, ये क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो दो लोगों को मिलाने का काम करते हैं। जैसे कि मैं हूँ एक कंपनी, ये पोर्टल है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, पेटीएम हो, चाहे कुछ भी हो, और ये क्या है, कस्टमर। लोग कहाँ पर जाते हैं, पोर्टल पे, वहाँ से प्रोडक्ट पसंद करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट किस पार्टी का तो होता है, मान लो मिस्टर ए का था, इसने माल बेचा मिस्टर किसको, पोर्टल को, पोर्टल ने किसको बेच दिया, कस्टमर को। तो जब वो काम करता है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या काटता है, TCS काटता है, क्या काटता है, TCS। और अगर आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिसमें आप क्या काटते हो, और आपकी लिमिट 20 लाख से नीचे, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं। तीसरा था, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो क्या है, हैंडीक्राफ्ट है, क्या है, हैंडीक्राफ्ट, लेकिन आप क्या हो, एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, क्या हो आप, एक कैजुअल टैक्सेबल। जानते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से होते हैं, जो सीजनेबल काम करते हैं, दिवाली आई पटाखे बेचने बैठ गए, होली आई कलर बेचने बैठ गए, ठीक है, वो क्या कहते हैं, सीजनेबल काम करते हैं। आपने ट्रेड फेयर सुना होगा, कई लोग दूर दूर से आके ट्रेड फेयर लगाते हैं, अपने स्टॉल लगाते हैं, वो क्या बेचते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, वो क्या होते हैं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, वो लंबे दिनों के लिए काम नहीं करते, 90 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए काम करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। हमने कहा गवर्नमेंट अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उस पर जीएसटी नंबर कंपलसरी हैगा हैगा, लेकिन अगर कोई ऐसा कैजुअल पर्सन जो क्या बेचता है हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचता है तो उसके लिए क्या है वहाँ पे है। समझ आई? आ जाओ जैसे मैं दिवाली का काम करने जाता हूँ, मैं पटाखे बेचने जाता हूँ, मुझे लगा है 15 दिन का काम है, मैंने दिवाली से 15 दिन पहले दुकान खोली और 2 करोड़ रुपए की सेल कर दी, कर दी 2 करोड़ की सेल, क्या गवर्नमेंट को टैक्स देना था? नहीं था। गवर्नमेंट अगर मुझे मना कर देती, क्या कर देती मुझे मना कर देती, मुझे प्रॉब्लम आती, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मेरा 2 करोड़ पे 36 लाख रुपये बच जाता। कितना बच जाता? 36 लाख रुपये टैक्स से बच जाता। तो गवर्नमेंट ने कहा मुझे टैक्स का बहुत नुकसान हो जाएगा, ऐसे में क्या हो जाएगा मुझे? तो गवर्नमेंट ने कहा हम सब कैजुअल पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, हम सब कैजुअल, लेकिन उन लोगों को माफ़ करेंगे जो क्या बेचते हैं हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हैं। क्या बेचते हैं? हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हैं, उनको हम क्या कर देंगे माफ़ कर देंगे। क्या कर देंगे हम माफ़ कर देंगे। क्लियर? सबको नहीं, आप चाहो कि मैं कलर्स बैंड वो होता है दिवाली होली आते हैं क्या बेचने लगते हैं कलर, तो मैं करूँ उसको माफ़ नहीं, लेकिन तुम क्या बेच रहे हो हैंडीक्राफ्ट, तो उसमें क्या है आपको माफ़ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4, गवर्नमेंट ने हमें क्या दे दी? लिमिटेशन दे दी। क्या दे दी हमें? लिमिट दे दी कि अगर आप साल में 40 लाख से ज़्यादा का माल बेचते हो तो आपको कम बेचते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत सर क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले कितनी लिमिट बोली थी? 20 लाख। ठीक है, उसके बाद वो क्या ले आई? अमेंडमेंट एक्ट ले आई, उसमें भी लिमिट कितनी बोली? 20 लाख। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या निकाल दी? एक नोटिफिकेशन निकाल दी जिसमें कहा गया कि अब तुम टर्नओवर कितने से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर लेना। ठीक है ना, तुमने आप तुम मुझसे क्वेश्चन कर सकते थे सर आपने तो कहा था कि लिमिट कितनी हो गई है 40 लाख हो गई, लेकिन यहाँ कितनी लिखी थी? कहाँ लिखी थी? यहाँ लिखी थी 20 लाख। लेकिन गवर्नमेंट ने उसे किस सेक्शन के अंदर डाल दिया? सेक्शन 23 के अंदर। पता है ऐसा क्यों करा गवर्नमेंट ने, कोई बताएगा? गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए करा अगर वो इस सेक्शन में लिख देती क्या कर देती तो वो परमानेंटली हो जाता और गवर्नमेंट चाहकर भी उसे हटा नहीं सकती थी। लेकिन गवर्नमेंट चाहती कभी फ्यूचर में मुझे टैक्स चाहिए ज़्यादा, क्या चाहिए मुझे, तो मैं इस लिमिट को क्या कर सकता हूँ? कम भी कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या निकाल दी? एक नोटिफिकेशन निकाल दी। क्या निकाल दी? नोटिफिकेशन इसलिए निकाली जाती ताकि फ्यूचर में अगर मुझे लगे तो नोटिफिकेशन को मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ, मैं नहीं डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या कर सकता है? कैंसिल। इसलिए लोग क्या निकालते हैं? नोटिफिकेशन निकालते हैं। वो कानून के अंदर चेंजेस नहीं करते, किस में करते हैं? वो नोटिफिकेशन में करते हैं। इसलिए कभी कोई पूछे ना 40 लाख रुपये लिमिट कहाँ हुई तो आप क्या बोलोगे? किसके अंदर हुई है? नोटिफिकेशन के अंदर। और सेक्शन किसकी? 23। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो हमारे पास नोटिफिकेशन भी पड़ी हुई है, यहाँ चले जाओ। नोटिफिकेशन में क्या थी? 10/2019। यहाँ चले जाओ, यहाँ पढ़ो क्या लिखा है। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 23। समझ आई बात? कहता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 किसको पावर देता है बताओगे आप मुझे? किसको पावर देता है? द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। किसको पावर दी? काउंसिल को पावर दी। वो क्या कर दे? लिमिट को कितनी कर दें? 40 लाख रुपीज। कितनी कर दें? 40 लाख। जब भी नोटिफिकेशन आती तो उसके अंदर सेक्शन जरूर लिखा होता है कि इस सेक्शन के अंदर ये बात कही गई है। क्या ये लिखा होता है कि इस सेक्शन के अंदर ये बात कही गई है। क्लियर? तो इस किसके अंदर बोलिए? सेक्शन 23 के अंदर सबसेक्शन 2 के अंदर। जो किसको पावर है? गवर्नमेंट को पावर है कि वो किसी लोगों को क्या कर सकती है? माफ़ कर सकती है। सर एक क्वेश्चन तो अब अराइज मेरे दिमाग में आने लगा, अब लिमिट कितनी हो गई? 40 लाख रुपये। सेक्शन 23 कितना बोलता है? 22 लाख। सेक्शन 23 कितना बोलता है? 40 लाख। तो सर हमें कन्फ्यूज़न है, हमें दोबारा क्लियर करिए ये वाले मैटर को। आइए हम इस वाले मैटर को आपको एक बार दोबारा क्लियर करते हैं। अगर आप सेक्शन 23 के अंदर आते हो, कितने सेक्शन 22 के अंदर आते हो, तो पहले जब GST आया था तो लिमिट कितनी थी? 20 लाख रुपये। इससे पहले आपको जानना होगा कि गवर्नमेंट स्टेट कितनी तरह के होते हैं। हमारे पास इंडिया में कितने तरह के स्टेट हैं? 29 स्टेट हैं और 7 क्या है?
इसमें से हम कितने पार्ट में बांटते हैं इसको, 18 पार्ट में स्टेट को रखते हैं और 11 पार्ट में हम किसको रखते हैं, नॉन और स्पेशल कैटेगरी स्टेट। उसमें से हमने कल क्या बताया था, एक इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी एक इसमें प्लस करेंगे और एक इसमें माइनस, और क्या माइनस करेंगे, और इसमें क्या ऐड कर देंगे, क्लियर। तो कितने हो गए ये, 19 हो गए और ये कितने हो गए, 10 हो गए, क्लियर, कोई दिक्कत है। अब 7 हमारे पास क्या होती है, जिसमें किसी में पार्ट हो गए, दो पार्ट, पहला क्या होगा आपका स्टेट हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, हम जानते हैं वैसे 7 है लेकिन जीएसटी के अंदर कितनी यूनिट टेरिटरी है, 5 है, दो क्या बन गया आपके स्टेट, क्योंकि दिल्ली और पांडुचेरी क्या है, एक स्टेट है, जीएसटी के लिए स्टेट है, वैसे कानून के लिए क्या है, यूनियन टेरिटरी। वही चीज़ यहाँ बताई गई है, यहाँ बताया गया है कि अगर आप बात करो लिमिट 1/4/2019 से पहले तो कितनी लिमिट थी, नॉर्मल के लिए 20 लाख रुपए, कितनी थी 20 लाख रुपए, और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए कितनी थी, 10 लाख रुपए, कितनी थी 10। लेकिन 1/2/2019 को क्या आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था, क्या आया था, उसके अंदर क्या थी, उसके अंदर लिमिट बताई गई कितनी, 20 लाख और कुछ की 20 और कुछ की 10। पता है जब 1 तारीख को जीएसटी आया था 2017 को, तो उसमें 10 स्टेट क्या थे, 10 लाख के लिमिट में, कितने थे 10 लाख के, लेकिन जब क्या आया अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसके अंदर स्पेशल कैटेगरी में हिमाचल को कितना रखा गया, 40, असम को कितना, 20 20 20 20 20 20, और बाकी सबको कितना कर दिया, 10। मतलब अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कितने स्टेट को चेंज किया गया, 6 स्टेट को चेंज किया गया और 4 स्टेट को वैसे का वैसा रहने दे। लेकिन 1 अप्रैल 2019 को गुड्स के लिए एक नई नोटिफिकेशन आई और कहा गया आप गुड्स बेचते हो तो लिमिट कितनी हो जाएगी, उसमें से कितने स्टेट की लिमिट कितनी कर दी गई गवर्नमेंट ने, 17 स्टेट की कितनी कर दी, 40, ठीक है। उसके बाद जो तेलंगाना, तो उसकी लिमिट कितनी रखी गवर्नमेंट ने, 20, और जम्मू एंड कश्मीर की कितनी कर दी, दिल्ली की कितनी, 40। तो मतलब 18 हमारे पास स्पेशल स्टेट नॉर्मल स्टेट थे ना, उसमें से गवर्नमेंट ने कितनी की कर दी, 17 की, तो 40 लाख कर दी, लेकिन तेलंगाना की कितनी कर दी, 20, एंड जम्मू एंड कश्मीर की कितनी करी उसने, 40, कितनी कर दी। वैसे आर्टिकल के अंदर तो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल है लेकिन जीएसटी के अंदर क्या है वो नॉर्मल, तो आपको याद रखना है ऊपर के 17, ऊपर के 17 तो 40 लाख में आ रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर कितने में आ जाएगा, 18, तो टोटल कितने हो गए, 18, तो 40 लाख वाले हैं। लेकिन एक नॉर्मल स्टेट था वो कितने पर, अभी भी 20 लाख, वो भी स्टेट कौन सा है, तेलंगाना। तो अब 18 बनाओगे 40 के और एक बनाओगे 20 का। अब बात करें किसकी, किसकी बात करें हम, दीपक कोई प्रॉब्लम है, दीपक कोई प्रॉब्लम, अब बात करें किसकी, स्पेशल, स्पेशल कितने होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं, 10 होते हैं, कितने होते हैं, 10। लेकिन हिमाचल प्रदेश स्पेशल होने के बावजूद भी उसकी लिमिट कितनी कर दी गई, असम की लिमिट कितनी कर दी गई, 40, और बचे बाकी 4 की लिमिट कितनी कर दी गई, 20, और बाकी बचे 4 की, ऐसा इसलिए गवर्नमेंट ने करा क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट को कलेक्शन चाहिए थी टैक्सेस ज़्यादा, तो इनकी लिमिट को अभी बढ़ाया नहीं गया, वैसा का वैसा, क्लियर। तो अब आपको हमेशा याद रखना है अमेंडमेंट क्या कहता है, जब जीएसटी आया तब क्या कहता है और नोटिफिकेशन क्या कहते हैं। समझ नहीं आ रही क्या क्या जाते हो, ये बोल रहा है, हाँ बोलो, ये तो आपके ऊपर है।
अब आप 100 रुपये का प्रोडक्ट लेके आए, इसकी एमआरपी कितनी है? 200। कितने की है? 200। तो क्या 200 ज़्यादा बेच सकते हो? तो 200 तक बेच सकते हो ना सर। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रेट प्राइस। अब तुम यहाँ एमआरपी की चीट हटा दो, इससे कितना कर दो? 2,000। वो तो आपकी मर्जी है, कल पुलिस वाले आएंगे आपको पकड़ के ले जाएंगे। बैठ जाओ। कैसे क्वेश्चन पूछा आपने, समझ आ गई वाली बात? तो याद रखना सेक्शन 23 क्या कहता है, पर्सन नॉट लाइबल। और उसमें हमने कितने सीख लिए अभी? 6 सीख लिए। 40 लाख की लिमिट समझ आ गई। इसके बाद दूसरा आता है, अगर कोई क्या करता है, इंटरस्टेट माल बेचता है, माल मतलब गुड्स बेचता है, तो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। क्या है? कंपलसरी है। सर अभी आप हमें क्या पढ़ा रहे हो? सेक्शन 23 पढ़ा रहे हो, जिसमें क्या बोला, जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं। और अभी आप क्या कह रहे हो? कंपलसरी। मैंने बोला अगर आप गुड्स बेचते हो एक स्टेट से तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी, लेकिन आप क्या बेचते हो? सर्विस बेचते हो। क्या बेचते हो? सर्विस बेचते हो, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं। बात समझ में आई? सर्विस में कहीं सप्लाई नहीं होती, गुड्स में मूवमेंट होती है। अब मैं दिल्ली में बैठा हूँ, अब मुझे चेन्नई वाले मुझे फ़ोन कर, सर मुझे बिजी में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने चेक कर दिया, अब मैंने कहा भैया 2,000 रुपये दे दो, 2,000 उसने दिए तो मुझे टैक्स लगा के दूँ क्या उसको? तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं भाई, तुम छोटे बिजनेस मैन हो, तुम्हारी सैलरी 5 लाख रुपये या इनकम तुम्हारी 5 लाख रुपये साल की, या तुम सेल जो करते हो 5 लाख की करते हो, तुमसे टैक्स नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई क्या बेचता है? गुड्स। और कितने का बेचता है? 1 रुपये का भी, तो उसे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी। क्या है उसे? कंपलसरी। कोई दिक्कत इसमें? याद रखना इंटर स्टेट सप्लाई पर कोई भी टैक्स नहीं, सब सर्विस की बात कर रहा हूँ, ओनली किसकी बात कर रहा हूँ? सर्विस। और लास्ट नोटिफिकेशन है, अगर किसी को आप जॉब वर्क के लिए माल बेचते हो, क्या बेचते हो? जॉब वर्क के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब भी आपको जैसे माल लेना कंपलसरी नहीं है। बस कंडीशन ये कि आपकी लिमिट कितने से नीचे होनी चाहिए? 20 लाख से नीचे। क्लियर है? ये वो लिमिटेशन थी जिसमें आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब हमें सेक्शन 24 पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेक्शन जो कहता है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन शैल टू बी रिक्वेस्ट टू बी रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। कह रहा है कि इस एक्ट को, सेक्शन 22 को क्या कर दो? साइड कर दो। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट का मतलब होता है इसको इग्नोर करो। किसको इग्नोर करो? सेक्शन 22 को इग्नोर करो। और ये एक बात कही गई कि अगर किसी की लिमिट 1 रुपए की भी होती है, कितने की होती है, तो उसे जैसे में लेना कंपलसरी। जैसे सेक्शन 23 कहता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन इन केस इंटरस्टेट सप्लाई नो थ्रेशोल्ड लिमिट और रुपीज 20 लाख और 10 लाख। अगर जब भी सेक्शन 24 की बात आ जाए तो उसका मतलब होता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्या होता है इसका मतलब? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। कंपलसरी जानते हो क्या होता है? आप कुछ भी कर लो आपको लेना ही लेना है, जिसमें सबसे पहले आता है इंटरस्टेट। क्या आता है? अगर आप दिल्ली से यूपी माल बेचते हो, क्या बेचते हो? माल। माल का मतलब होता है गुड्स। और आपका टर्नओवर कितने का साल का? 1 रुपए का, तो भी आपको जैसे मिले ना कंपलसरी। मार्केट में ऐसे छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर साल में 2 लाख रुपए का भी नहीं है, लेकिन उनके पास जीएसटी नंबर है। क्यों? क्योंकि उनका काम क्या होता है? एक स्टेट से दूसरे स्टेट। क्लियर है? तो याद रखना अगर आप कौन से स्टेट वाले हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माल बेचते हो तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी, चाहे आपका टर्नओवर कितने रुपए का हो, 1 रुपए का भी हो। क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी क्या कह रहा है? सेकंड कैटेगरी, अगर आप क्या हो? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। क्या हो आप? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो। आप जानते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहाँ अपना स्टोर लगाते हैं? कहाँ पर? सीजनेबल काम करते हैं या फिर कहीं अपना स्टोर लगाते हैं। जैसे मैं कैजुअल पर्सन हूँ, मैं कहाँ लगाना चाहता हूँ अपना स्टोर? ट्रेड फेयर में। लेकिन मैं क्या बेचना चाहता हूँ? ये आइटम मैं बेचना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा आपको ये सेमल लेना कंपलसरी। क्या है? कंपलसरी। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको जैसे मिलेगा कंपलसरी।
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थ्री क्या है, इतनी बात समझ में आ गई? गलत समझ आ गई बात, किसी को प्रॉब्लम है? अगर हम कैजुअल पर्सन हैं तो हमें जैसे मन लेना कम पसंद, चाहे हमारा टर्न ओवर कितने रुपए का हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो दो फटाफट पढ़ ली, पहला क्या था, पर्सन मेकिंग एनी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई, दूसरा क्या कहता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई, तीसरा क्या कहता है, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी, ठीक है, पे टैक्स अंडर दिस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज जानते हो, अभी बताया था ना, उल्टा चार्ज करना बताया था वो एडवोकेट वाला है केस, ये वाला। अगर आप दिल्ली की पार्टी हो, किसकी पार्टी हो, दिल्ली की पार्टी हो, और आप किसी ऐसी पार्टी से सप्लाई ले रहे हो, चाहे वो कौन हो, क्या वो एडवोकेट हो, क्या वो हमारा, आपने किससे सप्लाई ली, एडवोकेट से ली। अब एडवोकेट तो जानते हो गवर्नमेंट एरिया में क्या है, एक थोड़ा उस क्लास का पर्सन के तो टैक्स नहीं देता, तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम ऐसा काम कर रहे हो, क्या, चलो इसको हटा दो, इस एग्जाम्पल को हटा दो, अगर तुम क्या कर रहे हो, तुम एक, मैं मान लो ऐसा सॉफ्टवेयर सर्विस हो, क्या हूँ, और मैं क्या ले रहा हूँ, एक ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहा हूँ, किसकी सर्विस ले रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट जानते हो, जो माल को कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब गवर्नमेंट ने कहा कोई भी कंपनी अगर ट्रांसपोर्ट से सर्विस लेती है तो उसको टैक्स खुद पे करना है, क्या करना है, जैसे हमने सर्विस ली इससे 100 रुपये की, कितने की सर्विस ली, तो इस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा 5%, कितना परसेंट, तो 105 हो, तो इसे क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज, क्या बोलते हैं, रिवर्स चार्ज। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, मैं क्या हूँ, और मैंने किससे सर्विस ले ली, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, क्या है, मुझे जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है, क्लियर, समझ आई। मैं एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, मेरा एक कोचिंग सेंटर है, आज इस कोचिंग सेंटर को दिल्ली से शिफ्ट करके बॉम्बे ले जाना चाहता हूँ, है ना, छोटा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मैं किसकी सर्विस ले रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप तुम ट्रांसपोर्ट की सर्विस ले रहे हो तो तुम्हें जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी, क्योंकि इसकी सर्विस क्या है, चार्जेबल टू टैक्स है, ठीक है, समझ आई वाली बात। अगर तुम ट्रांसपोर्टर से कोई भी सर्विस लेते हो तो उसका टैक्स तुम्हें खुद भरना है, उसका टैक्स तुम्हें खुद भरना, ठीक है। जब आप आरसीएम पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, तब आपको अच्छी तरीके से, आरसीएम का मतलब होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, क्या होता है, रिवर्स चार्ज, इसे बोलते हैं उल्टा चार्ज करना, क्या बोलते हैं इसे, उल्टा चार्ज। तो इस केस में भी आपको जैसे मैं लेना कंपल्सरी। एग्जाम्पल नंबर फाइव क्या कहता है, अगर आप किसकी फैसिलिटी लेते हो, ऊबर की फैसिलिटी लेते हो, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ बोलो। अगर आप तुम किसकी फैसिलिटी लेते हो, ऊबर कैब की फैसिलिटी लेते हो, आप जानते हो ऊबर कैब वाला क्या करता है, जानते हो, ये कस्टमर आता है, वो कहाँ जाता है, ऊबर पे जाता है, फिर ऊबर से कहाँ किसकी फैसिलिटी लेता है, ड्राइवर की, बताओ इसमें मीडिएटर कौन है, ऊबर है, तो ऊबर ने किसको सर्विस दी, कस्टमर को दी या ड्राइवर को दी, दोनों को दी, किसको दी सर्विस, दोनों के दी, हैं, पोर्टल वाला है, लेकिन इसके लिए स्पेशल बना हुआ है, किसके लिए बना हुआ है, स्पेशल बना हुआ है, किसके लिए, अगर आप किसके अंदर आते हो, ऊबर के अंदर आते हो, तो आपको ऊबर या ऊबर कार होती है, कोई दूसरी होती है, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी, ठीक है। ये तब आपको ज़्यादा अच्छे क्लियर होंगे जब आप इनके बारे में स्पेशली टॉपिक पढ़ेंगे, अभी तो बता रहा हूँ कंपलसरी किन किन लोगों के ऊपर। सबसे मेन तो हमारे लिए पहला वाला था, कौन सा था हमारा, पहला वाला था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप किसके सेक्शन के अंदर आते हो, टी
टीडीएस के अंदर आते हो। किसके अंदर आते हो? जानते हो टीडीएस क्या होता है? टीडीएस होता है अगर आप गवर्नमेंट के साथ कोई काम कर रहे हैं और काम करने की वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा की होती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या काटती है? टीडीएस काटती है। क्या काटती है? टीडीएस काटती है। तो आपको जैसे मैं लेना कंपलसरी हो जाएगा। मैं इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूँ। और जीएसटी के अंदर भी होता है टीडीएस। वो कब होता है? जब तुम गवर्नमेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितने ज़्यादा की होगी? 2.5 लाख से ज़्यादा की। क्लियर है? समझ आ गई बात? लेना पड़ेगा। तुम एक कंस्ट्रक्शन का काम करते हो, छोटे हो, गवर्नमेंट तुम्हें 2.5 लाख का प्रोजेक्ट दे दिया तो तुम्हें जिस में लेना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या काटेगी आपका? टीडीएस काटे। क्या काटेगी गवर्नमेंट आपका? टीडीएस। यह लिखा है 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, आप क्या हो? आईएसडी हो। क्या हो आप? आईएसडी का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या है आप? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जानते हो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं? मेरी एक ब्रांच है, मैं क्या हूँ? एक एयरटेल वाला हूँ। मेरा एक ब्रांच कहाँ है? एक ब्रांच है, कहाँ पर है? मान लो ये बॉम्बे में। कहाँ पर है? बॉम्बे में। क्लियर। मेरी 4 ब्रांचेज हैं। एक कहाँ है? एक ब्रांच कहाँ है? एक ब्रांच कहाँ है? एक ब्रांच कहाँ है हमारी? पंजाब। दिल्ली वाली पार्टी माल खरीदती है, बेचती है, वैसे कितने का टैक्स पे करना है? 30 का। ऐसे हरियाणा की पार्टी सेल करती है, परचेस करती है और टैक्स पे करती है। ऐसे यूपी करती है और ये करती है। इन लोगों का काम है माल बेचना खरीदना। मेरा काम है इनको देखना, इनको परेशान करना। क्या करना? क्योंकि मैं क्या हूँ? हेड ऑफिस हूँ, मैं सब चीज़ें देखता हूँ। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है, ये लोग माल बेचते खरीदते हैं, अपना इनपुट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सेल करते हैं, उस पर पार्टियों से टैक्स ले लेते हैं। किसी को माल खरीदते हैं तो उससे टैक्स दे देते हैं, तो एडजस्ट करने का जो टैक्स आता है वो दे देते हैं गवर्नमेंट को, या ले लेते हैं। ये तो करते हो आप भी। आपने माल खरीदा तो टैक्स दोगे, माल बेचते हो तो पार्टियों से टैक्स लेते हो, और जो बनता है वो गवर्नमेंट को दे देते हो। लेकिन ये पार्टी हेड ऑफिस क्या करें? ये ना तो कोई माल खरीदता है ना कोई माल बेचता है। इसका काम क्या है? आप लोगों को परेशान करना। किनको परेशान करना? इनको परेशान करना। लेकिन क्या ये सर्विसें नहीं लेता? ये लोगों से सर्विस लेता है, जैसे एसी की सर्विस लेता होगा। इनके पास भी तो स्टाफ होगा हेड ऑफिस में, या अकेला बंदा काम करेगा? स्टाफ होगा जो हर चीज़ें देखता होगा। हम एसी की सर्विस भी तो लेंगे वहाँ पर। हम किसकी सर्विस लेंगे? एनी अदर सर्विस लेंगे। अच्छा बताओ, जब ये सर्विस लेगा क्या उस पर टैक्स नहीं लगेगा? और सर्विस पर कितने परसेंट टैक्स है? 18। मान लो इसने साल में 1 लाख रुपये की सर्विस ली, 1 लाख का टैक्स कितना होता है? 18,000 रुपये। अब 18,000 टैक्स तो उसके पास बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? अब कहीं टैक्स वो यूज़ ही नहीं हो रहा है। सर कैसे यूज़ नहीं हो रहा? जब गुड इवनिंग, इसने जब टैक्स ले लिया गवर्नमेंट से, किससे टैक्स ले लिया? नहीं, इसने एक से सर्विस दी, उसने पार्टी ने से टैक्स ले लिया ना उसने। मान लो मैंने सर्विस दी इसको कितने की? टोटल 1,18,000 की, जिसमें टैक्स भी शामिल था। क्या शामिल था इसमें? टैक्स भी शामिल था। इस केस में क्या करोगे? अब इस पार्टी ने 18,000 रुपये टैक्स तो दे दिए, लेकिन इस टैक्स का अभी तक उसने क्या नहीं लिया? बेनिफिट नहीं लिया। क्या नहीं लिया? बेनिफिट नहीं लिया। और ये टैक्स के बाद अभी बचा हुआ है। क्या हुआ? इसका टैक्स अभी बचा हुआ है। बताओ इस टैक्स का करेगा क्या? क्या करेगा? आप मेरी बात को समझ रहे हो? तुमने किसी सर्विस ली 1 लाख की, उस पर टैक्स कितना दे दिया? क्या वो टैक्स तुम्हारा कहीं यूज़ हो रहा है? तुम्हारा पैसा वेस्ट हो गया ना? क्या हो गया? वेस्ट हो गया। तुम इस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हो? इन अपनी पार्टियों को। ये भी तो मेरा हिस्सा है ना, मैं ये भी तो क्या करना चाहता हूँ? इनको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। सर कैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ ये मेरा पैसा बेकार है, किनको मिल जाए? इन लोगों को मिल जाए। यही तो होता है। आपने देखा एक फादर है, उनके 4 बेटे हैं। जब फादर एक्सपायर हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं? बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? क्यों बांटते हैं? अगर वो बांटेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो क्या करते हैं? अपने बेटों में या बेटियों में बांट देते हैं। क्यों? ताकि उनको बेनिफिट ले लें। ऐसा ये भी तो कह रहा है कि मेरे पास 18 बचे हुए हैं, लेकिन मैं क्या करूँ इसका? कुछ कर नहीं सकता। वो क्या करना चाहता है? इसको बांटना चाहता है। तो उसे क्या बोलते हैं? इनपुट
सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, क्या कहते हैं? हाँ टैक्स है, हमने गवर्नमेंट को पे आउट तो कर दिया ना, अब हमारी पॉकेट में बचे, अब गवर्नमेंट की नज़र में हमें 18,000 रुपये लेने हैं। हम गवर्नमेंट से कहेंगे गवर्नमेंट हमें हमारे टैक्स तो कहीं यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि हम तो क्या हैं, हम हेड ऑफिस हैं, हम तो कोई माल खरीदते और बेचते हैं ही नहीं। हमारे पास तो तुम जितनी सर्विस लेंगे, सपोज हमने साल में 10 लाख की सर्विस ले ली तो कितना हो जाएगा, ये 1,80,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ना डे बाई डे, क्योंकि हम कहीं यूज़ तो कर नहीं रहे। जैसे इस केस में क्या था, ये यूज़ हो रहा था, क्या हो रहा था ये, और इस केस में क्या हो रहा है, यूज़ हो नहीं रहा है, फिर क्या करोगे आप, तो इसको क्या करोगे, बांटोगे। बांटने के लिए आप क्या बनोगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। एक बात याद रखना, जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो टर्नओवर के हिसाब से होता है मैक्सिमम, किसके हिसाब से होता है, जैसे मान लो मेरा टर्नओवर कितने का है, 2.5 लाख का है, 2.5 लाख का, 2.5 लाख का, 2.5 लाख, मेरा इनपुट कितने का है, तो कितना कितना बांट दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। लेकिन मान लो मैंने एक सर्विस ली किसकी, कंप्यूटर के लिए, किसके लिए, तो बताओ कितना कितना बांटूंगा, कितना कितना बांटूंगा, कंप्यूटर खरीदा 1 लाख का, जिस पर कितना टैक्स दिया, तो कितना 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 बांटूंगा, हैं बोलोगे आप लोग, कितना कितना बांटूंगा, हैं कितना, यही बोल रहे हो आप सब, डोली क्या बोल रहे हो आप, कितने बांटेंगे आप, कितने लोग बोल रहे हैं, हाथ खड़ा करना, फैसल ने हाथ खड़ा, कितने बोल रहे नहीं बांटेंगे, नहीं बांटेंगे, फैसल को छोड़ दें, बाकी लोग बताओ बांटेंगे, आशा क्या बोलते हो, बांटोगे नहीं बांटोगे, नहीं बांटेंगे, क्यों, वेरी गुड, इन्होंने बिल्कुल सिंपल बात बोली, ऊपर क्या वर्ड लिखा था, सर्विस, और कंप्यूटर क्या है, गुड्स है। ये बात मुझे आपको बतानी थी कि अगर आप कोई कंप्यूटर ले रहे हो तो उसका तो ITC आप बांट नहीं सकते, लेकिन अगर क्या ले रहे हो आप, सर्विस ले रहे हो, तो उसका ITC आप क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। इसलिए वर्ड को ध्यान से सुनना है, यहाँ पर क्या बोला था, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, और अगर आप साल में 1 रुपये का भी बांटते हो ना, तो आपको जिस नंबर लेना कम, इसको हटा के क्या कर दूँ मैं, सर्विस कर देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। 8 नंबर, अगर आप क्या हो, TCS वाले हो, क्या हो, अगर आप TCS होता क्या है, आप ई कॉमर्स के थ्रू कोई काम कर रहे हो, फ्लिपकार्ट के जरिए काम कर रहे हो, फ्लिपकार्ट जितना भी साल में 1 महीने में जितने का ही माल बेचेगा ना, उसका 1% TCS काट लेगा, क्या काट लेगा, TCS, और काट के किसको जमा करा देगा, गवर्नमेंट, किसको जमा करा देगा, और जब ये रिटर्न भरेगा तो उसका आप इनपुट वापसी ले सकते हो, क्या ले सकते हो, उसका वापसी ले सकते हो, गवर्नमेंट से क्या कर सकते हो, रिटर्न ले सकते हो, क्या ले सकते हो, गवर्नमेंट से रिटर्न। लेकिन अगर आप किसके साथ काम कर रहे हो, ई कॉमर्स के साथ, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 9, अगर आप किसके साथ काम कर रहे हो, फ्लिपकार्ट के साथ, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी। इसमें तो आपका TCS कट रहा था, और इसमें आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, काम कर, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजोन हो, कोई भी पोर्टल हो, जो जिसका इंडिया में परमानेंटली एड्रेस नहीं है, फ्लिपकार्ट का यहाँ कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि वो बाहर से ऑपरेट होते हैं, वो एक वेबसाइट है, ठीक है, तो आपको उसमें जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी, क्लियर। तो गवर्नमेंट ने अब तक कितनी सर्विस बना दी हमारे लिए, गवर्नमेंट ने अब तक हमारे लिए सर्विसें बनाई हैं 11, कितनी बनाई है, 11 बनाई है, लेकिन गवर्नमेंट ने 12 नंबर पर क्या बोल दिया, सच अदर पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अगर किसी को और ऐड करना, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे ऐड कर सकती है, समझ आ गई मेरी बात। हर लाइन के नीचे ये लाइन जरूर लिखी होती है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज़ को ला सकती है और किसी चीज़ को निकाल सकती है, इसलिए हर सेंटेंस के सबसे आखिरी में ये वर्ड लिखा होता है, गवर्नमेंट चाहे तो ला सकते। अब तक हमने सेक्शन 3 पढ़े, 22 जो कहता है आपको जीएसटी नंबर लेना है कब, जब आपकी लिमिट 20 लाख से ज़्यादा हो और लोकल में स्पेशल कैटेगरी में 10 लाख, ठीक है। दूसरा 23 क्या कहता है, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जिसमें पहला कौन था, अगर आप ऐसा माल बेचते हो जो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। दूसरा, अगर आप खेती करते हो।
और तीसरे में क्या लिखा था, गवर्नमेंट चाहे तो माफ कर सकते हैं। कितने लोगों को गवर्नमेंट ने माफ करा, ठीक है, वो आपको पता है। सेक्शन 24 क्या कहता है, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। पहला क्या था, इंटरस्टेट सेल परचेज, पहला क्या था इंटरस्टेट सेल। दूसरा क्या था, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, क्या था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तीसरा क्या था आपका, आरसीएम वाला, कौन सा था आरसीएम वाला। चौथा क्या था आपका, ऊबर कैब वाला। अगर आप कोई सर्विस लेते हो जिसमें दो तरह की सर्विस होती है, दो लोगों को दे रहे हो एक साथ, तो उसमें भी आपको नंबर लेना था। अगर कौन से हो आप, टीडीएस वाले हो, क्या हो आप, अगर टीसी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो, अगर आप क्या हो टीसीएस वाले हो, अगर आप क्या हो ई कॉमर्स हो, और अगर आप गवर्नमेंट चाहे तो लोगों को क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। क्लियर है? तो ये इतने लोग हमने बताए जिनको जैसे नंबर लेना कंपल्सरी, जिनका टर्नओवर कितना भी हो। क्लियर? अब आपकी एक क्लास और होगी रजिस्ट्रेशन को लेकर, उसके बाद हम इसे क्या कर देंगे।